मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। लोगों को सुनना है यार ये बात कि तुमने क्या किया जो इतना इम्पैक्ट आपके बॉलिंग में आया है रिसेंटली, लास्ट पिछले 1-1.5-2 सालों में जो आपने बॉलिंग किया है उसके लिए आप मतलब किसको क्रेडिट देना चाहोगे या क्या अलग आपने किया है उस समय? यार जैसे 2015 में जब मैं वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ था, जब पता ही था किस कंडीशन में मैं खेला था वर्ल्ड कप, तो उसके बाद 18 महीने के आसपास लगे थे और मुझे लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल टाइम था जो 2015 वर्ल्ड कप के बाद से जो मैंने फील किया। क्योंकि और एक और चीज, 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना बहुत यार। क्योंकि 2015 वही बता रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैं इंजर्ड हुआ था तो 18 महीने मुझे लगे थे मैच खेलने के लिए जो मैंने लास्ट मैच खेला था, और फिर जब नेक्स्ट मैच खेला आफ्टर इंजरी तो 18 महीने का पीरियड था उसके बीच में। एक तो वो बहुत स्ट्रेस देता था क्योंकि रिहैब पता ही है कितना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि रिपीट सेम रिपीट होती है एक्सरसाइज डेली, बहुत दिक्कतों का सामना था। फिर जब मैं मैच में आया उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ दिन के बाद। अच्छा वो चली रही थी, इतने एक्सीडेंट भी हुआ। हाँ यार, तो, वो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो जस्ट आईपीएल से मुझे लग रहा 10 या 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार, उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे घर, मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। अरे बाप रे यार, ये तो किसी को नहीं पता है यार, ये किसी को इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम। तो मेरे घर वाले पहरा दे देते घर पे, मैं मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग एक ना एक बंदा मेरे पास रहता था क्योंकि 24 फ्लोर पे घर था ऊपर, कि इसको इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा, ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में मैं कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था। लेकिन घर वाले समझाने में, भाई बहुत बड़ी चीज है कि घर वाले आपके साथ हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी पावर आपके पास है कोई। घर वाले यही समझाते थे, बोले देखो हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। हर परेशानी, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, बहुत बहुत बड़ी परेशानी आती है, गिव अप उसका सोल्यूशन नहीं है। गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, सबको सीखना चाहिए ये बात।